हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर दिव्या, आर एन टैरो कार्ड रीडर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जनवरी अपकमिंग वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। अपकमिंग वीक यानी सेकेंड वीक जनवरी आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट राशि से हम स्टार्ट करते हैं, एरीज से। एरीज के लिए जनवरी का अपकमिंग वीक का कैसा रहेगा, उनका टेम्परेंस कार्ड आया है। मैं बोल सकती हूँ कि उनके लिए काफ़ी जो वीक होगा उसमें वो बैलेंस हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एंड कार्ड्स मुझे ये बोल रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में काफ़ी अच्छा स्मूथ जाएगा टाइम, और रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होगी रिलेशनशिप में। एंड गुड लक, गुड फॉर्चून उनके लिए यहाँ पर मुझे दिखा रहा है। आने वाला टाइम उनके लिए काफ़ी अच्छा एंड पॉजिटिव रहेगा। एंड लक उनके साइड है, तो कार्ड बोल रहे हैं कि उनका जो आने वाला टाइम है उसमें सिर्फ उनको हार्डवर्क करने की जरूरत होगी, और लक फैक्टर उनके साथ ऑलरेडी चल रहा है। आने वाले टाइम में उनके साथ में लक डेफिनेटली है, उनको किसी चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। और उनके साथ में गॉड पावर्स हैं, उनके साथ में एंजल्स पावर हैं, और आने वाला वीक आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। कार्ड बोल रहे हैं कि आप अगर हीलिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आप काफी अच्छा करेंगे हीलिंग प्रोफेशन में। एंड कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि आप एक इस तरीके के प्रोफेशन में जा सकते हैं जिसमें आपको हीलिंग या फिर काउंसलिंग या फिर साइकेट्रिस्ट या फिर डॉक्टर, इस तरह के प्रोफेशन में आप अच्छा कर सकते हैं। कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि आपको अभी बॉडी माइंड स्पिरिट को हील करने की जरूरत है। आने वाले टाइम में इस चीज की काफी जरूरत होगी। ओवरऑल काफी पॉजिटिव वीक आपके लिए ही रहेगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वो है हमारे टॉरस। टॉरस के लिए कार्ड बोल रहे हैं कि आप चीजों को बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे, यानी आपको थर्ड पार्टी सपोर्ट मिल सकता है, आप किसी प्रॉपर्टी या फिर आप किसी आप घर खरीदने की ख्वाहिश रख सकते हैं। कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि आपका फाइनेंशियली काफी अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल गेन होगा चीजों में, एंड थर्ड पार्टी सपोर्ट से आपको कुछ चीजें आपकी सॉर्ट होंगी, और जॉब लाइफ एंड आपकी पर्सनल लाइफ काफी अच्छी रहेगी। और कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि आपका आने वाला टाइम काफी अच्छा होगा, यानी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी प्रॉपर्टी या किसी चीज में। और बाकी मुझे कार्ड ये बता रहा है कि एंजल्स मैसेजेस आपको दे रहे हैं कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, यानी जो भी आप चाहते हैं उस चीज को आपको पहले खुद बिलीव करना होगा कि वो चीज आपको मिल सकती है। जब आप उस चीज में बिलीव करेंगे कि वो चीज मुझे मिल सकती है, तो डेफिनेटली वो चीज आपको मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको उस चीज में बिलीव करना है जो चीज आप चाहते हैं। अगर वो इम्पॉसिबल भी है तो भी आपको बिलीव करना है कि वो आपको मिल सकती है या फिर वो आपको मिल चुकी है। तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव वीक आपके लिए रहेगा। एंड उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वो है जेमिनाई। जेमिनाई के लिए कार्ड निकला है शादी से रिलेटेड। जो लोग रिश्ते प्रपोजल जिनके पास आ रहे हैं अभी, या मैरिजेस से रिलेटेड जिनकी अभी बात चल रही है, उनका मैरिज फाइनल होने के चांसेस होंगे। और मुझे दिखा रहा है शादी से रिलेटेड कार्ड आया है, एंड काफी ओवरऑल पॉजिटिव कार्ड है। और घर बनवा सकते हैं आप, या हाउस खरीद सकते हैं, नया प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं मुझे दिख रहा है। एंड हार्ड वर्किंग इज पेइंग ऑफ। आपका जो मैसेजेस आए हैं एंजल्स की तरफ से वो ये आया है कि आपका जो भी आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, यानी उसकी वजह से ही आप अचीव कर रहे हैं। सो ओवरऑल काफी अच्छा एंड पॉजिटिव वीक रहेगा। प्रोस्पेरिटी होगी, हैप्पीनेस होगी आने वाले टाइम में। फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। एंड आपके जो भी सिर्फ आपको एंजल्स यहाँ पर ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी आपके डर है, जो भी आपके फियर है, उसको आपको कहीं ना कहीं निकालना होगा, और डरना नहीं है किसी चीज से, पॉजिटिव रहना है ओनली, एंड रिलीज द पावर ऑफ फियर। ये आपके लिए मैसेजेस है। तो आपको आई थिंक चीजों में डरना नहीं है। जो भी आप चीजों के लिए वरी कर रहे हैं या टेंशन कर रहे हैं, वो चीज आपकी अचीव होगी और डेफिनेटली होगी। बस उस चीज के लिए आपको ओवरथिंक नहीं करना है, डरना नहीं है। आपका जो भी डर है उसको निकाल देना है, रिलीज करना है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वो है कैंसर। कैंसर के लिए आने वाला जो वीक होगा वो काफी उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। वो काफी रिस्पॉन्सिबल और मेच्योर बिहेव करेंगे आने वाले वीक में। कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि फाइनेंशियली उनके लिए गेन होगा, उनकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, एंड रिलेशनशिप वाइज एंड जॉब लाइफ उनकी अच्छी चलेगी। और एंजल से मैसेजेस आए हैं उनके लिए कि कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। अभी कॉन्फिडेंस ही उनके लिए सक्सेस की की बनेगा, तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल उनको अपना बिल्डअप करना है, हाई रखना है, और उसी की वजह से उनको चीजें अचीव होंगी एंड डेफिनेटली अचीव होंगी। कार्ड ये बोल रहे हैं अगर अभी तक आपको प्रॉब्लम्स आ रही है या अभी तक आपको चीजें अचीव नहीं हो रही, तो अब आपको डेफिनेटली वो अचीव होंगी, और आपका पॉजिटिव टाइम अब आने वाला है।
उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वो है लियो। लियो के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा? लियो के लिए मुझे बता रहे हैं कि उनकी कोई न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। और कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि मे बी हो सकता है कि वो रिस्ट्रिक्टेड या बाउंडेड फील कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि वो किसी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या फिर वो किसी को बाउंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनली अप एंड डाउन चलेगा बिकॉज वाटर से रिलेटेड कार्ड आए हैं। एंड कंक्लूजन आर विद इन रीच, यानी जो भी आप अभी तक अपने लिए सोचते आए हैं, जो भी ड्रीम करते आए हैं, वो चीज अब आपको मिलने वाला है। कार्ड आपको, एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं, वो चीज आपको कहीं ना कहीं अचीव होने वाला है। सो वो एक आप लास्ट स्टेप पे हैं, सो उस चीज के लिए आपको गिव अप नहीं करना है, वो चीज आपको कहीं ना कहीं अचीव होने वाली है। एंड टेक स्टेप्स टुवर्ड पॉजिटिव चेंज, कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव चेंज की तरफ अपना स्टेप बढ़ाना है और आपकी जो भी चीजें हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, यानी आपके लाइफ में जो भी होगा वो काफी अच्छा एंड पॉजिटिव होगा, ये आपके कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वो है वर्गो। वर्गो के लिए कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि हो सकता है कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए सोच रहे हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए सोच रहे हैं। और कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि हो सकता है आप मनी से रिलेटेड आपके माइंड में चीजें चल रही हैं कि आप किस तरीके से फाइनेंशियली स्टेबल हो। एंड कार्ड मुझे ये भी बोल रहा है कि हो सकता है कि आपके काफी अच्छा आपका, अगर आप जॉब लाइफ में है सो और अच्छा आपका टाइम चल रहा है, सो आप फाइनेंशियल गेन भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। और आपको मुझे ये दिखा रहा है कि आपके पास शायद इतना पैसा है कि पैसों की आपकी कहीं ना कहीं बरसात हो जाए, इस तरीके का आपका मुझे दिख रहा है। एंड कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि अनलिमिटेड आपका अमाउंट ऑफ मनी एकदम से आपको मिले। एंड कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि आपके पास सब चीज है अभी फिलहाल। एंड कार्ड बोल रहा है कि आप चीजों में बस थोड़ा सा सोच रहे हैं, बाकी ओवरऑल अच्छा आपके लिए वीक है। एंड कार्ड के लिए आपके मैसेजेस हैं कि हैव फेथ इन योर ड्रीम, जो भी आप सपने देखते हैं उनके लिए उसमें आप फेथ रखिए, बिलीव रखिए एंड होप मत छोड़िए। आपकी चीजें आपको डेफिनेटली और आप आगे और अच्छा करेंगे लाइफ में, और जो भी अगर नहीं भी अचीव अभी हो रहा है तो वो भी आपको आने वाले टाइम में डेफिनेटली अचीव होने वाला है। एंड कार्ड बोल रहे हैं कि होप नहीं छोड़नी है, होप रखनी है। एंजल्स कार्ड से भी आपको यही मैसेज है कि मैसेंजर ऑफ क्रिएटिविटी एंड होप, ये आपके लिए कार्ड आया है। सो ये पॉजिटिव कार्ड है, ये आपको ये बोलता है कि एंजल्स आपके साथ है, एंजल्स प्रोटेक्शन आपको है, यूनिवर्सल पावर आपके साथ है, आप जो चीज चाहते हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। किसी चीज के लिए आपको टेंशन लेने के लिए या ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वह है लीब्रा। लीब्रा के लिए आने वाला जो वीक होगा वो काफी पॉजिटिव होगा। आपके आप हैप्पी फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और काफी प्रोस्पेरिटी, काफी खुशियों भरा टाइम होगा, सेलिब्रेशन टाइम होगा। मे बी आप, हो सकता है कि अपनी फैमिली से मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी गेट टुगेदर में जा सकते हैं। और कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसीज, जो आप जो लोग प्रेगनेंसी के लिए सोच रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए भी पॉजिटिव कार्ड आया है। एंड कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि बिलीव इन योर ड्रीम्स, यानी जो भी आप ड्रीम रखते हैं उनमें आपको बिलीव करना होगा, अपने सपनों को आपको बिलीव करना होगा कि ये चीज जो भी आप चाहते हैं उस चीज में आपको होप एंड बिलीव रखना होगा और उस चीज को एक एम बना के आपको चलना होगा, तब जाके आपको चीजें अचीव होंगी। कार्ड यहाँ पर आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि अपने सपनों में आपको विश्वास रखना पड़ेगा जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट राशि आती है वो है हमारी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत हो सकती है। कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि उनकी नई एक लाइफ स्टार्ट हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नई जॉब लाइफ या फिर उनकी नई पर्सनल लाइफ। एंड कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि मे बी शायद वो एक महीने में उनके कोई चेंजेस आने वाले हैं। और कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि काफी अच्छा टाइम होगा, फाइनेंशियल गेन आपको होगा लाइफ में, आपको सब चीजें अचीव होंगी अब। एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, ये आपका कार्ड आया है मूनोलॉजी से। सो मूनोलॉजी कार्ड आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस आपका बनाए रखना है, आपको कॉन्फिडेंस आपकी जो भी आप अचीव कर रहे हैं उसकी सक्सेस होने का आपका राज ही आपका कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको मेंटेन रखना है, कॉन्फिडेंस लेवल ही आपको बनाए रखना है। उसके अलावा कार्ड आपको ये आए हैं कि गाइडेंस दे रहे हैं कि आप किसी इल्यूजन में हैं, यानी आप सच्चाई, आप किसी अनहेल्दी अटैचमेंट्स में हैं, जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है, किसी चीज की ना आपको एडिक्शन है, चाहे वो कोई पर्सन है, चाहे वो कोई आपकी कोई अल्कोहल है, या फिर कोई भी ऐसा अल्कोहल कंजप्शन, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो अनहेल्दी है, बट आप वो चीज
रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं और वो चीज आप उससे अटैच्ड है, बहुत ज्यादा अडिक्टेड है, पर वो चीज आपको नहीं करनी है। कार्ड यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको वो चीज नहीं करनी है जो चीज आपके लिए हार्मफुल है, वो चीज आपको नहीं करनी है। आप उस चीज के भ्रम में या इल्यूजन में जी के उस चीज को स्पॉइल कर रहे हैं, यानी आप अपने लिए वो चीजें खराब कर रहे हैं जो चीज आपको नहीं करनी है। सो उन अटैचमेंट्स में, उन अटैचमेंट से और उन इल्यूजन से आपको बाहर आना है। बाकी ओवरऑल आपके लिए पॉजिटिव वीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी राशि आती है वो है सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए जो कार्ड आए हैं वो ये बोल रहा है कि आपके लिए आने वाला जो वीक होगा वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्बिंग हो सकता है। आपकी चीजें, आपको कुछ चीजों में टेंशन हो सकती है, वरी हो सकती है, नेगेटिव फीलिंग होगी, नेगेटिव वाइब्स होगी। एंड कार्ड्स मुझे ये बोल रहे हैं बट वो आप अपनी वजह से ओवरथिंक करेंगे, यानी आपके पास सब चीज है उसके अकॉर्डिंग, फिर भी आप उस चीज के लिए बहुत ज्यादा वरी कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। कार्ड्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी है और जो भी है सब अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है, गॉड में बिलीव रखना है, गॉड पावर्स में बिलीव करना है। एंड आपको उस सिचुएशन जो आपकी होगी, जो क्रिएट होगी, उस चीज में आपको पॉजिटिव रहना है। बाकी आपके कार्ड बोल रहे हैं कि हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन हो एंड कॉम्पिटिशन आप फेस करें, बट आपको ये भी बता रहा है कि करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप वो चीज कॉम्पिटिशन को भी फाइट कर लेंगे। तो बस आपको यही करना है कि जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो आपकी करेज है आपके अंदर, सजिटेरियस के अंदर जो होता है, वो चीज आपको मेंटेन रखना है। आपको डरना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी और आपको नेगेटिव नहीं होना, ये सिचुएशन भी आपकी कहीं ना कहीं क्रॉस हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए आने वाला वीक कैसा होगा? कैप्रिकॉन के लिए आने वाला वीक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है और काफी ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे आने वाले टाइम में। उनका कार्ड मुझे ये बोल रहा है कि हो सकता है उनको कोई मेल सपोर्ट करे उनकी चीजों में। एंड काफी मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि वो बॉसी या फिर उनको कोई इस तरीके का रोल प्ले करने को मिले कि जिसमें उनको अथॉरिटी दी जाए, अथॉरिटी उनको हैंडल करनी पड़े। और कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि आपको जो भी आपको आपकी लाइफ में है उसमें आपको जो पॉजिटिव चीजें हैं उनकी साइड देखना है, ना कि जो नेगेटिव चीजें हैं जो आपके पास नहीं है उनको, उनके लिए वरी करना है। यानी आपको बड़ी साइड देखनी है, जो भी चीजें हैं उसकी पॉजिटिव साइड आपको देखनी होगी, ना कि नेगेटिव साइड। और पॉजिटिव साइड देख के ही आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है। आपका आने वाला वीक काफी पॉजिटिव होगा, प्रोफेशनली एंड पर्सनली आपको सब चीज अचीव होगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए आने वाला वीक जो होगा थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। हो सकता है कि उनको थोड़ा कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट झेलने पड़े। हो सकता है कि वो ऑफिस एनवायरमेंट में मैनिपुलेट हो जाए या फिर पॉलिटिक्स उनके साथ करे लोग, या फिर झगड़े हो सकते हैं उनके, ये मुझे बता रहा है। मेंटली डिस्टर्बेंस होगा, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा जहां वो काम कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे दिख रहा है कि वो डिस्टर्ब रह सकते हैं, या फिर अगर आप नॉर्मल हाउसवाइफ हैं या वर्किंग नहीं है, नॉन वर्किंग है, तो उनकी लाइफ में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे शो कर रहा है यहाँ पर, हो सकता है। और आपके लिए एंजल्स कार्ड बोल रहे हैं कि टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, यानी इस टाइम पे आपको थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है, क्योंकि ये आने वाला टाइम आपके लिए काफी डिस्टर्बिंग होगा। सो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है। एंड पॉजिटिव रहिए, रिलैक्स रहिए, मेडिटेट करिए एंड एक्सरसाइजेस करिए, वॉक करिए, सो जिससे कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं वो चीजों से आप डील कर पाए इजीली। सो कार्ड आपको यही गाइडेंस यहाँ पर दे रहे हैं। बाकी ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा वीक रहेगा। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट राशि आती है वो है पाइसिस। पाइसिस के लिए आने वाला वीक काफी पॉजिटिव होगा। कार्ड्स मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि उनकी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उनको कोई जॉब प्रपोजल मिल सकता है और बिजनेस वो शुरू कर सकते हैं नया, उनकी नई लाइफ स्टार्ट हो सकती है, चेंज में भी हो उनकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग मुझे दिखा रहे हैं। और फाइनेंशियली उनको गेन होगा, ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और जो भी वो चाह रहे हैं लाइफ में उनको प्रोस्पेरिटी मिलेगी, लाइफ में सक्सेस होगा, फाइनेंशियल अच्छा उनका होगा आने वाला टाइम। यानी जो भी वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो सारी उनकी अब फुलफिल होंगी। और कार्ड मुझे बोल रहे हैं कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको फोकस होने की जरूरत है। एंड जो भी आप अपना एम या रखते हैं उसको आपको कहीं ना कहीं आपको उसको यूनिवर्स तक कन्वे करना है, उस चीज को रिपीटेडली बोलना है, उस चीज को रिपीटेडली मानना है कि वो चीज आप कर रहे हैं, जो भी आपको चाहिए वो चीज आपको मांगनी है, वो चीज आपको प्रे करनी है, वो चीज आपको बोलनी है, तो जिससे कि आपको
उसी के बेसिस पे आपको चीजें कहीं ना कहीं अचीव होंगी। एंड कार्ड मुझे ये बोल रहे हैं कि जो भी आप चूज कर रहे हैं अपने लिए पाथ, वो थोड़ा सोच समझ के करिए। एंड हो सकता है कि हर कोई जो है वो आपके लिए सही नहीं है, कार्ड यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं मुझे। तो थोड़ा सा आपको हर एक पे ट्रस्ट नहीं करना है एंड थोड़ा सा सोच समझ के अपने लिए डिसीजन लेने हैं, कार्ड यहाँ पर मुझे ये बोल रहे हैं। बाकी ओवरऑल आपके लिए काफी अच्छा एंड पॉजिटिव वीक होगा। एंड आज की वीडियो में मैंने आपको ये प्रेडिक्शंस दी हैं अपकमिंग वीक की। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।